हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 16 मार्च 2022 मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम होने वाली शिफ्ट की हो चुकी है और आगामी शिक्षकों शिक्षिकाएं बाहर निकल के आ रहे हैं। उनसे थोड़ा उधर दिखा दो आप, और वो बाहर निकल के आ रहे हैं, उनसे लाइव ले लेते हैं। मैथ्स और EVS लैंग्वेज 1, हिंदी लैंग्वेज 2 संस्कृत, और CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज ज़्यादातर फोकस रहेगा कैटेगरी और नंबर पर फोकस रहेगा। जितने ज़्यादा एम्पिटेड एस्पिरेंट से पूछ सकते हैं उतने ज़्यादा पूछ लेंगे नंबर। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। महोदय बाइक आगे ले लो, थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ मैम, कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कितना किया? 81। सर आपने? सर पहले आप ये बताओ कि सिलेबस क्या था और पेपर किस आधार पर बनाया? हाँ सर, 83। कौन सी कैटेगरी? OBC। कैसा था पेपर आज का? पेपर अच्छा था, EVS में सब जनरल। वो अभी का महोदय आगे ले लो ना, EVS में सारा करंट पूछ लिया था। हाँ कितना स्कोर किया? स्कोर कितना किया मैम? 75। कौन सी कैटेगरी आपकी? OBC। मैम कितना स्कोर किया? मैम कितना स्कोर किया आपने? 91। कौन सी कैटेगरी? जनरल। कैसा था पेपर आज का? हार्ड तो था। हार्ड ठीक है। सर कितना स्कोर किया आपने? 82। कौन सी कैटेगरी? थर्ड। OBC। सर कितना स्कोर किया आपने? 74। सर ले लो ना बाहर, क्यों ट्रैफिक जाम कर रहे हो आप? हाँ सर कितना स्कोर किया? 50% सर। 50%। कैसा था पेपर आज का? बढ़िया था सर। कौन सी कैटेगरी आपकी? हाँ सर। मैम कितना स्कोर किया? 70। आपने कितना किया? 92। कौन सी कैटेगरी? OBC। आपने कितना? 86। कौन सी कैटेगरी? SC। सर आपने कितना किया? 101। क्या कैटेगरी आपकी? OBC। बता सकते हो CDP वगैरह क्या पूछा गया? CDP में लिख के लाया हूँ, बताऊँ आपको? अच्छा लिख के लाया ना, बता सकते हो आप? ऐसा आगे आ जाओ बेटा। वाइगोस वाले थे, मौन वचन की विधि थी, निगमन विधि थी, एड्रेस रख था। हाँ बिल्कुल सही। तो रास्तों के अनुसार दोस्तों के दोस्त कितने प्रकार के होते हैं? LEO का फुल फॉर्म, UNCRPD का फुल फॉर्म, AMPC का फुल फॉर्म, IPL कब आया, हाथ का लाभ क्या है, N2 का प्रतिशत, और भ्रूण की अवधि कितनी होती है, हरित क्रांति के जनक, विश्व संरक्षण कांग्रेस 2021 कहाँ आयोजित हुआ, स्थानीय पक्षी कौन सा नहीं है, प्रायोगिक मंगल हेलीकॉप्टर कब आया, फुटबॉल में द मैनेजर्स किसको कहते हैं, तो ठीक था। और क्या क्या पूछा गया? बस मैथ्स काफ़ी इजी थी, मैथ्स का टॉप पार्टिशन काफ़ी अच्छा था। आज का पेपर थोड़ा सरल था क्या, कैसा क्या था? जिसने पढ़ाई करी उसके लिए इजी है, ऐसा ही कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। मैम कितना स्कोर किया? स्कोर कितना किया? और पूछ लेते थोड़ा सा इधर। मैम कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कितना किया? स्कोर कितना किया? स्कोर कितना किया? 80। कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल। बता सकते हो CDP में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? अब क्या पता, हिंदी हिंदी में। सर महोदय कितना स्कोर किया आपने? हाँ सर पूछ लेते हैं एक दो और भैया। सर महोदय कितना स्कोर किया आपने? 90। कौन सी कैटेगरी आप? OBC। OBC कहाँ से हो? राजस्थान। राजस्थान। मैम कितना स्कोर किया? 70। कौन सी कैटेगरी? SC। भैया कितना स्कोर किया? मैम कितना स्कोर किया? मैम कितना स्कोर किया? 72। कौन सी कैटेगरी? जनरल। बता सकते हो कैसा था पेपर आज का? ऐसा लग रहा था कि पेपर सही है, सही है, मतलब आंसर सारे सही है, लेकिन पता नहीं क्यों गलत हो जाते हैं वापस। ठीक है मैम, थैंक यू। कितना स्कोर किया सर? 89। कौन सी कैटेगरी आपकी? OBC। ठीक है सर, थैंक यू। मैम कितना स्कोर किया आपने? अभी है अब पेपर अभी यार पता नहीं, जिनका पेपर नहीं होता उनको भी मज़ा आता है बीच बीच में आने का। सर मोदे पेपर था भैया? नहीं। और पूछ लेते हैं, थोड़ा ट्रैफिक क्लियर कर दो भैया आप, और देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे। महोदय आप भी थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा आगे आ जाओ। सर पेपर था आपका, कितना स्कोर किया आपने? 100। 100। मैम पेपर था आपका? अच्छा गया। कितना स्कोर किया? 75। आपने मैम? 78। कौन सी कैटेगरी आपकी? 3। आपकी कौन सी? OBC। आ जाओ। मैम कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कितना किया? कैटेगरी ST। ठीक है थैंक यू। सर कितना स्कोर किया? सर 81। कौन सी कैटेगरी आपकी? OBC। ठीक है मैम, कितना स्कोर किया आपने?
सिक्सटी। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। ठीक है, थैंक यू सर। कितना स्कोर किया आपने? 84। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। ओबीसी सर कितना स्कोर किया? सर कितना? मैं आ रहा हूं। स्कोर कितना किया मैम? कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कैटेगरी 85। कैटेगरी ओबीसी। सर कितना स्कोर किया? 96। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। और पूछ लेते सर कितना स्कोर किया? नहीं और पूछ लेते हैं। भीषण गर्मी है और बहुत लपक के आ रहा है। मैम कितना स्कोर किया? कितना स्कोर किया भैया? 95। आपने? 95। कौन सी कैटेगरी? कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। ओबीसी। मैम कितना स्कोर किया? स्कोर कितना किया आपने? कितना किया? 75। आपने? 79। सर कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। सर कितना स्कोर किया? सर 100 हुए मेरे। 100। कौन सी कैटेगरी आप? मेरी कैटेगरी जनरल है और मैम राजस्थान से। राजस्थान। एक मिनट मैं ले लूँगा रिव्यू आपसे थोड़ा कैटेगरी नंबर पर। सर कितना स्कोर किया? मेरे नहीं था पेपर। नहीं था पेपर। आपने कितना स्कोर किया? 94। तो कैटेगरी? कैटेगरी जनरल। आपने कितना? 97। कौन सी कैटेगरी? जनरल कैटेगरी। सर कितना स्कोर किया? हाँ SSC कैटेगरी से हूँ। 84 किया। बहुत टफ पेपर आया, जो सोचे थे वो पेपर नहीं आया। कितना स्कोर किया? सर मैंने 87 स्कोर किया है। बहुत टफ पेपर आया है, बिल्कुल सिलेबस से आउट ऑफ आया है। और है ना पेडोगोजी तो इतनी टफ पूछी है, बिल्कुल आउट ऑफ जो सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ। संस्कृत भी बहुत टफ आया है। रचना आई है, पर्यावरण में दो क्वेश्चन आए कि कौन सा पक्षी है ना घोंसला है ना मानव के आसपास बनाता है, मानव के घर के आसपास बनाता है। तो उसमें ऑप्शन थे ब्रूनर चिड़िया और कबूतर, और ये ऑप्शन थे। और मैथ्स सिंपल आई है, हिंदी भी सिंपल आई है, बस पर्यावरण बहुत टफ आई है, बिल्कुल आउट ऑफ पूछा है। खेल से संबंधित 3-4 क्वेश्चन आए हैं और बिल्कुल आउट ऑफ था। संस्कृत कैसी पूछी गई? संस्कृत बहुत टफ पूछी गई है, बिल्कुल समझ के बाहर है संस्कृत। जो जिसके संस्कृत है वो कर सकता है, पर वो थोड़ा। ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा और पूछ लेते हैं एक दो भैया। और सर थैंक यू सर। आपका कितना स्कोर किया था? पेपर पेपर था? पेपर था? नहीं था। नहीं था भैया? पेपर था अपना? मैम सर पेपर था? पेपर था। मैम कितना स्कोर किया आपने? सर मैंने तो डिस्क्वालीफाइड हो गई। 65। नंबर कितना? 65। कैटेगरी क्या है? ओबीसी। थैंक यू मैम। और पूछ लेते हैं मैम कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कितना किया? कैटेगरी? कैटेगरी कैटेगरी बता दीजिए। एसटी। नंबर स्कोर? 79। वेरी गुड। और पूछ लेते हैं, थोड़ा सा बाहर आ जाओ, बाहर पूछ लेते हैं। एक मिनट सर आपसे आराम से ले लूँगा। पेपर था आपका? कितना स्कोर किया आपने? आपने कितना किया मैम? 81। कौन सी कैटेगरी? जनरल। जनरल से। ठीक है और पूछ लेते हैं फटाफट। मैम कितना स्कोर किया? नहीं बताना नहीं चाहते हो? और पूछ लेते हैं भैया। पेपर था आपका? भैया पेपर था? कितना स्कोर किया? स्कोर कितना किया? 106। तो आइए ना आराम से यार, आज के टॉप आप ही हो यार। 106 और कोई मिला नहीं मेरे को। 100 आइए आइए उतरी यार। वेरी गुड यार। 106 कहाँ से हो? अरे वाह यार, राजस्थान का फिर से आज टॉप। आइए आइए आराम से खड़े कर दीजिए आराम से। आइए भैया आइए। 106 नंबर आराम, ये इधर खड़े हो जाइए। क्लियर दिख रहा बेटा? हाँ। कितने नंबर आपके? 106। कौन सी कैटेगरी आपकी? अच्छा जनरल से हो ना? राजस्थान से हो? कहाँ से हो राजस्थान में? छोटी सालड़ी से हो आप? प्रतापगढ़ जिले से? हाँ प्रतापगढ़। बताइए आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए? उसमें आज तो परिभाषा संबंधित भी आए थे कुछ, और विकास से आए थे क्वेश्चन, और तो इतना याद आ नहीं रहा है। बताइए हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? हिंदी में वो गद्यांश दिया था, पद्यांश दिया था, और उससे प्रश्न आ रहे थे। और सुमित्रा छंद वगैरह कोई? नहीं नहीं आज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। समाज संधि वगैरह कुछ नहीं? नहीं समाज का तो संस्कृत में आया था। संस्कृत में दो क्वेश्चन थे समाज से। पर्यायवाची शब्द वगैरह? पर्यायवाची नहीं आए थे, विलोम शब्द से। अच्छा विलोम शब्द से था। और क्या? और तो ठीक था। अब संस्कृत बताए, संस्कृत में किस प्रकार क्वेश्चन? संस्कृत में समाज से क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन थे समाज से, और तो कुछ याद नहीं आ रहा है। और इसमें मैथमेटिक्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? मैथमेटिक्स में वो जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाले वो सवाल आए थे, है ना, ये इतने रुपए की ये दोनों वस्तुएं हैं, तो उसके बाद ये इस वस्तु का मूल्य कितना है, वो वाला ऐसा सवाल। और प्रतिशत वगैरह से क्वेश्चन? हाँ प्रतिशत से एक सवाल। और एडवांस में से कोई क्वेश्चन पूछा गया क्षेत्रफल वगैरह से? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन में से, जैसे ना क्षेत्रफल आयतन ये परिमाप इनसे आज एक भी सवाल। अच्छा एक भी सवाल कैलकुलेटर मैथमेटिक्स से दिया? हाँ बस कैलकुलेशन था, ये कोई इक्वेशन दे दी अपन को उसको सोल्व करना है। और
और यही है इस EVS में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा? EVS में तो आप एक मिनट सर आपसे आराम से EVS EVS वाला जो है ना पार्ट वो मेरे तो ज़्यादा कमजोरी है तो वो उसी तो ढाई घंटे में जैसे आपने कितना पेपर कर लिया था? मैंने तो कर लिया था मतलब लगभग एक घंटे पहले पेपर कर लिया था आपने जितना मेरे को आ रहा था। आपने कितने घंटे तैयारी की? 106 नंबर आज कहीं टॉप क्योंकि पेपर हार्ड था आज का तो वो तो ज़्यादा मैंने तो तैयारी ज़्यादा नहीं की थी क्योंकि हम वो राजस्थान से वो DV का और प्रोसेस चल रहा था कल प्रतापगढ़ जाके आए थे। खेल वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा क्या? हाँ पूछा था पूछा वो सचिन का पूछा क्या बोल सकते सचिन तेंदुलकर का पूछा था वो 200 रन बनाए थे वो किसके विरुद्ध खेला था? अच्छा है इंडिया का। सर कितना स्कोर किया आपने? 87 87 कौन सी कैटेगरी? OBC। आपने कितना स्कोर किया? 89 कौन सी कैटेगरी? OBC। हाँ ठीक है सर थैंक यू है ना ये भैया 106 बस बस धन्यवाद और चेक कर लेते हैं और पूछ लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। आपका तो हो गया ना? बिल्कुल पेपर था आपका किसी का? मैम पेपर था आपका? पेपर था अभी आपका? पेपर था। कितना स्कोर किया आपने? 98 कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल। कैसा था पेपर आज का? बहुत टफ था। CDB में क्या पूछा गया? चाइल्ड और पेडागोजी में ज़्यादातर सन के क्वेश्चन थे। अच्छा और इसमें EVS में? EVS में भी ऐसे ही मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस ऐसे पता नहीं कहाँ से। और संस्कृत ऐसी पूछी गई? संस्कृत भी टफ थी। संस्कृत में क्या क्या पूछा गया? संस्कृत में जो कोई पढ़ा ही नहीं ऐसा पूछा गया। मैथ्स में? मैथ्स का तो ठीक था। हिंदी में क्या पूछा गया? हिंदी का भी इजी था। थैंक यू मैम। आपका नंबर कितना स्कोर किया? 90 थोड़ा इधर आ जाइए बता सकते हो CDB में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? CDB में थे तो ठीक थे पर लैंग्वेज थोड़ी अलग थी उसकी। अच्छा लैंग्वेज अलग। हाँ जिस प्रकार से हमने तैयारी की उस प्रकार से नहीं आया घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा सर। जी सर थैंक यू सर। आपका पेपर आपका था कितना स्कोर किया? 98 कौन सी कैटेगरी? सर जनरल। बता सर CDB में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? सर उसके अंदर क्वेश्चन तो ठीक थे बट सर घुमा घुमा के बहुत पूछे। उसके अलावा क्या ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जो जनरली पता ही नहीं होता कहाँ से आते हैं। उसके अलावा सर मतलब जैसे कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे इनको खुद को भी मतलब कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं कि इनकी कोई कमेटी डिसाइड कर रही क्वेश्चन ऐसा बताते ही नहीं है तो पता क्या पड़ेगा उनकी कैसे मार्किंग हुई है। उसके अलावा जो मतलब रीजनिंग वो क्या बोलते हैं इसको EVS में थे ना EVS के अंदर मतलब वो सारे क्वेश्चन मतलब बाहर के थे मतलब वर्ल्ड जीके टाइप पूछ लिया सारी है ना। 106 हाँ MP इन राजस्थान नहीं थोड़ा सा। मैम पेपर था आपका? पेपर था आपने दे दिया? आपका था पेपर 107 आ जाओ थोड़ा सा और देख लेते हैं आ जाओ बाहर और चेक कर लेते हैं। पेपर था आपका मैडम? कितना स्कोर किया? 75 कौन सी कैटेगरी आपकी? OBC। बता सकते हो CDB में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? चाइल्ड और पेडागोजी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? ठीक ठाक थे। क्या क्या पूछा गया? बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में और एज इट इज नॉर्मल क्वेश्चंस थे। पेपर डिफिकल्ट था। और हिंदी में क्या पूछा गया? हिंदी में ज़्यादा कुछ तो नहीं था बस थोड़ा बहुत समास वगैरह के बारे में पूछा गया। समास वगैरह के बारे में पूछा गया। और संस्कृत में? संस्कृत में भी ठीक ठाक थे। पैराग्राफ ज़्यादा आए थे गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश। हाँ। और मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा गया? मैथमेटिक्स थोड़ी टफ थी स्क्वायर्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे और रूट वाले भी थे। ओके थैंक यू। और इसमें EVS में? EVS ठीक था नॉट गुड। ठीक है थैंक यू मैम। और पेपर था आपका भी? हाँ। कितना स्कोर किया आपने? अच्छा ही गया। स्कोर कितना गया? 102 102 अरे इधर आइए 102 नंबर अच्छे नंबर है। अरे इधर आओ 100 नंबर हाईएस्ट लड़की है आज की टॉप। अरे गुड़िया 102 हाईएस्ट है। अरे डरना क्या यार 102 नंबर हाईएस्ट टॉप की है यार लड़की ने आज। और पूछ लेते हैं एक दो भैया पेपर था आपका? नहीं। और एक मैम वगैरह अभी आ रहे हैं तो उनसे पूछ लेते हैं। मैम पेपर था आपका? नहीं वो सुबह खड़ा वहाँ पे जो रास्ता है ना। अच्छा अब हाँ अच्छा और किसका पेपर है चेक कर लेते। पेपर था आपका? मैम पेपर था आपका? अब है बेस्ट ऑफ लक आपको। अच्छा ना अच्छे देना आप। एक दो और पूछ लेते हैं कोई मिल जाए तो। आज गुड़िया चली गई क्या? चली गई है ना चले गए।
एक दो भैया वो निकल निकल के आ रहे हैं, पूछ लेते। पेपर था आपका भैया? अब होगा, ठीक है चलो आ जाओ। तो देखा जाए तो आज के टॉपर भी 106 नंबर हाईएस्ट था, और आज का पेपर बहुत टफ है। संस्कृत और मैथमेटिक्स और ईवीएस बहुत टफ पूछा गया है। मैथमेटिक्स में थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन था, पर ईवीएस में और संस्कृत से ज़्यादा मेरिट उठेगी इसमें, इस आज के पेपर में। और आज का पेपर सबने बोला है कि बहुत टफ पेपर था, और राजस्थान का लड़का फिर से आज टॉप कर गया, 106 नंबर हैं यहाँ पर। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने चैनल को, रनिंग फिटनेस क्लब नीमच को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कितने स्कोर किया आपने? 85। हाँ 85। कौन सी कैटेगरी थी आप? ओबीसी। बता सकते हो सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? सब मिक्स थे क्वेश्चन तो। अच्छा। बाकी पर ठीक ठीक था पेपर। अच्छा, और ठीक ठीक था। और ईवीएस में किस क्वेश्चन पूछे गए? ईवीएस में थे, कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो आपको बता दीजिए। क्वेश्चन तो अभी इतने सारे थे दिमाग में रहते ही नहीं है वो तो। अच्छा अच्छा। और मैथमेटिक्स कैसी थी आपका? इजी थी मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट कौन सा अच्छा? मेरा तो इंग्लिश और संस्कृत है। संस्कृत में, अब संस्कृत में एक्सप्लेन करके बता दीजिए कि संस्कृत में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? संस्कृत में गद्यांश पद्यांश थे, हाँ, उनके वो अर्थ वगैरह पूछे थे, अलंकार, सॉरी अलंकार नहीं, वो अर्थ पूछा और विभक्तियाँ पूछी। अच्छा, विभक्तियाँ पूछी गई। और कोई विभक्ति में कोई क्या क्या पूछा गया? अभी इतना याद नहीं आ रहा आपको। और क्या पूछा गया? और हिंदी कैसी थी आज की? हिंदी भी इजी थी। हिंदी में क्या गद्यांश था? गद्यांश था, हाँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, विलोम शब्द वगैरह। विलोम शब्द किस प्रकार से पूछा गया? थोड़ा टफ था, विलोम शब्द भी था तो। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। पेपर था किसी का? किसका? कितना स्कोर? कितना हो गया? हाँ पेपर था आपका, कितना स्कोर किया आपने? नहीं, अभी है हमारा तो। अच्छा अभी है, पेपर में नहीं है। रनिंग फिटनेस क्लब यूट्यूब पर चैनल है, उस पर आ जाएगा अपना। आपका पेपर अभी जोधपुर से? ठीक है, शाम को लाइव भी देखे जाएंगे ना। भले रुकना, हर 10-10 मिनट में बस है यहाँ से। हाँ। ऐसा भागना मत, बस देख के जाएंगे। हाँ देख के जाना है ना।